ठंड का मौसम जैसे ही शुरू होता है, हमारे बुजुर्ग, हमारे घर वाले सारे मना कर देते हैं कि ठंडी में खट्टा नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, दही नहीं खाना है। मैं वापस याद दिला दूं, दही में बहुत अच्छे क्वालिटी का, क्वांटिटी का प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल होते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं और ये आपको डाइजेशन के लिए, बोन स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ ये रसीले फल, जितने खट्टे रसीले फल होते हैं, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, वैसे ये फल सारे समय मिलते हैं, लेकिन खासकर यदि हम जितने साइट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, मौसम्बी, ये ठंड के मौसम में ही मिलते हैं। ये इसलिए इस ठंड के मौसम में मिलते हैं बिकॉज ये इसी सीजन के फल हैं और इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, हमारे रेजिस्टेंस को अच्छा रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट कहें या आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जितनी खट्टी चीजें हैं, इंक्लूडिंग रसीले फल, टमाटर, दही, नींबू, पाइनएप्पल, ऐसी सारी चीजों का आपको रेगुलर सेवन करना है। इसे ठंड में बंद कर देने से इसमें कोई नुकसान नहीं है। और साथ ही कुछ लोग डरते हैं कि ठंडा खट्टा फ्रूट्स खाने से या दही खाने से हमें आर्थराइटिस या गठियावाद हो सकता है। मैं क्लियरली बता दूं, खाने पीने से गठियावाद बिल्कुल नहीं होता है, खाने पीने की चीजों से नहीं होता है। गठियावाद या तो घिसावट से होता है या जेनेटिक फैक्टर से होता है या मेटाबॉलिक रीजन से होता है। सो इस प्रकार से खाने पीने से, किसी भी प्रकार की चीजों से आपको ज्वाइंट पेन या आर्थराइटिस नहीं हो सकता, बशर्ते आप इन भ्रांतियों में, अंधविश्वास में फंसकर नींबू, दही, टमाटर, नींबू इन या इस प्रकार की चीजों का सेवन नहीं करके आप अपने शरीर को उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पौष्टिक तत्व से आपका शरीर वंचित रह जाता है। सो ठंड में यदि आपको डर लगता है कि हमें दही, नींबू या टमाटर खाने से परेशानी हो सकती है, तो कोशिश करें आप उसको दोपहर शाम के पहले खा लें, अर्थात सनलाइट में इसका सेवन करें और आपके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और एक दिन का बना हुआ दही, जिसे हम मीठी दही के रूप में कहते हैं, उनका सेवन करें। नींबू का सेवन आप गर्म खाने के साथ कर सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं, चाय के साथ कर सकते हैं, दाल चावल जब गर्म हो उसमें कर सकते हैं, तो आपके मन का वहम नहीं होगा। बट ठंडे में भी करने में इसमें कोई नुकसान नहीं है। सो बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन का सेवन करते रहें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।